तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जैसे कि आपको पता है मेरे फार्म में नया लॉट आया है, मैं लीटर वगैरह बिछा चुका हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। वैसे तो मेरे फार्म के अंदर पर्दे वगैरह गिर चुके हैं, तो ज्यादा लाइट नहीं है। जैसे ही मोबाइल के जितना फ्लैश है उतना ही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो आप कृपया करके जो है वो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। और अगर आपको सीखना है तो आप इससे भी आराम से सीख सकते हैं। जैसे कि लीटर देख रहे हैं मैं बिछाया हूँ, पूरी तरीके से ये सूखा हुआ लीटर होना चाहिए। जिस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल सूखा हुआ लीटर है, आपको दिखा दूं। मोटाई की अगर बात करते हैं तो लगभग 1 इंच। आप लोग इसको अगर देखिए यहाँ पे वाइट वॉशिंग आपको दिख रही है। लगभग मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि 1 से 1.25 इंच का जो मोटाई है वो बिल्कुल लीटर का होना चाहिए। पता नहीं वीडियो के में एंगल वो आया कि नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। और साथ साथ लीटर बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ जो नीचे का जो फर्श है, जो मैं ये फर्श दिखा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल व्हाइट वॉशिंग किया हूँ। इसमें भी चूना वगैरह लगाया हूँ। और फार्म के चारों तरफ अंदर से जो है वो पेड़ से 2.5 फीट के बीच में जितने भी आपके खिड़की रहते हैं, लगभग खिड़की जहाँ से फार्म में छोड़ा जाता है उतने तक को पूरा व्हाइट वॉशिंग मतलब कि चूना कर देना है, ताकि जो भी इन्फेक्शन वगैरह पिछले लॉट में आया था वो इस लॉट में ना आए। बहरहाल मैं इसके बाद जो है वो पेपर वगैरह बिछाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज आपको मिलने वाली है। आपको कुछ एक्स्ट्रा में जानकारी चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और जो नए पोल्ट्री फार्मर हैं, जो हिचकिचा रहे पोल्ट्री फार्मिंग करने से, चैनल को सब्सक्राइब करके और रेगुलर रहें। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग सिखा दूंगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा हिम्मत रखें तो आप भी पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी शुभकामना के साथ कि आप जो है वो जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर पाएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।